हेलो गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मेरे चैनल का नाम है मम्मा एंड प्रिंसेस, क्योंकि ये मेरी बेटी का भी चैनल है और ये मेरा भी चैनल है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की बहुत ही यम्मी और टेस्टी खिचड़ी, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और हम वैसे भी इसे बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, नॉर्मली आज मैं इसे नाश्ते में बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है और इसे हमें कम से कम 3 से 4 बार पहले वॉश करना है। और हमें पहले इसे 3 से 4 बार वॉश करना है। हम इसे 3 से 4 बार वॉश करेंगे और इसे हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे और इसके पानी को हम 3 से 4 बार अलग करते रहेंगे। मैंने इसे 3 से 4 बार वॉश कर लिया है और मैंने इसका पानी भी अलग कर दिया था। और मैंने इसमें एक छोटी कटोरी जितना पानी इसमें डाला है और इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है। और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस इतना साबुदाने से लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। 1 कटोरी या 1 कप पानी हम इसमें डाल देते हैं और डाल के हम इसे अब 1 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। खाने को भिगे हुए 1 घंटा हो गया है, देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और इसका पानी भी ख़त्म हो गया है, देखिए कितना अच्छे से फूला है। और हमें एक चीज़ और इसमें चेक करनी है, एक दाना उठाकर हमें साबुदाने का चेक कर लेना है कि वो अच्छे से मैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो अच्छे से मैश हो रहा है तो इसका मतलब हमारा साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए, बिल्कुल रेडी है। और मैंने साबूदाना बनाने के लिए 2 छोटे छोटे टमाटर काटे हैं, 2 मैंने प्याज काटी है, करी पत्ता लिया है मैंने, और मसालों में मैंने लिया है थोड़ी सी राई, मैं इसे राई में छोंकने वाली हूँ, थोड़ी सी राई, और मैंने लिया है हींग, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला और नमक, और मूंगफली की गिरी ली है मैंने, और मैंने काजू लिए हैं, और मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं ली है, वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च या तेज़ तीखा खाते हैं तो आप मिर्च डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए और नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए। और आइए अब हम साबूदाना की खिचड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई को, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इस ऑयल को अभी गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, और राई को हम अच्छे से चटकने देंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। देखिए राई हमारी अच्छे से चटक गई है, बिल्कुल अच्छे से खिल गई है हमारी राई, देखिए अच्छे से चटक गई है और वो अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें प्याज डालनी है, हम इसमें प्याज डालेंगे और उन्हें तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती है। इसको अच्छे से हमें भून लेना है। थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देंगे, हमने थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है। देखिए प्याज भी हल्के से भून गई है, मैं इसे हल्का ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा भूनना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसे ब्राउन कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और मैंने अब इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और जो मैंने जितने भी मसाले लिए थे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, ये सब डाल दिए हैं। अभी हम इसे अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से थोड़ा सा इन्हें हमें पक जाने देंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये जल्दी से टमाटर हमारे गल जाएं और अच्छे से पक जाएं। टमाटर हमारे अब अच्छे से पक गए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें काजू और मूंगफली गिरी डाल देंगे, चाहे तो आप इसे
रोस्ट करके भी डाल सकते हैं मूंगफली गिरी को और काजू को। मैंने यहाँ पर इसे बिना रोस्ट करे डाला है और इसे अच्छे से चला लेंगे हम। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना हमने डाल दिया है इसमें और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे। 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे हम इसे। अब इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे हम इसे। एक दो बार बीच में चेक भी कर लेंगे और अच्छे से इसे चला देंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया है और 5 मिनट में अभी ये रेडी हो जाएगा। अभी हम 5 मिनट के लिए और इसे ढक के छोड़ देते हैं। इसे पकते पकते 10 मिनट हो गई हैं और देखिए कितने अच्छे से ये बन गई है। बिल्कुल खिली खिली सी बनी हुई है। देखिए हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर हम नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो इसमें ज़रा भी नहीं चिपकती है, लेकिन अगर हम कोई और पैन लेते हैं, स्टील का पैन लिया हुआ है मैंने, तो इसलिए ये हल्की हल्की सी चिपक गई है, लेकिन हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है बिल्कुल। देखिए हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसे हम धनिये के पत्तों से या करी लीफ से अच्छे से हम इसे गार्निश कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।